हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स क्या आप जानते हैं कि सितंबर 2024 में कर्व की सेल्स एल्ट्रोज और टियागो से भी ज़्यादा थी अगर आप कर्व डीजल लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कार का सबसे सूटेबल वेरिएंट चूज़ कर पाएंगे कर्व के वेरियंट्स एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जैसे कि इसके प्राइसेस इंजन स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशन ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए इस कार के बारे में इसके प्राइसेस लाख से स्टार्ट होते हैं और डीजल इंजन के साथ मैनुअल और डुअल क्लच ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन आते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन स्मार्ट और क्रिएटिव वेरियंट्स के अलावा बाकी सभी वेरियंट्स के साथ अवेलेबल है मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अपग्रेड वन एंड हाफ लाख रुपीज का है लेकिन अकम्पलिश्ड प्लस ए के केस में ये अपग्रेड वन पॉइंट थ्री जीरो लाख रुपीज का है कर्व डीजल के टॉप ऑटोमेटिक अकम्पलिड प्लस ए वेरियंट का प्राइस नाइनटीन लाख रुपीज़ है इसका वम्पर फाइव लीटर डीजल इंजन हंड्रेड एटीन पी एस की मैक्सिमम पावर टू सिक्सटी न्यूटमीटर की पीक पीकटॉक प्रोड्यूस करता है इसका आउटपुट सेल्टॉस और क्रेटा से कंपेरेबल है लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कर्व की क्लेम डेफिशियंसी इन दोनों कार्स से बेटर है ऑल्सो डीजल इंजन के साथ कर्व में जहां सेवन स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है वहीं क्रेटा सेल्टॉस में सिक्स स्पीड टॉक कन्वर्टर अवेलेबल है इन दोनों कार्स में से कर्व फाइडेस्ट है और कूपे टाइप डिजाइन होने के बाद भी इसकी हाइट ऑलमोस्ट क्रेटा जितनी ही है लेकिन कर्व का व्हील बेस सबसे छोटा है एंड दैट शुड इम्पैक्ट इट्स केविन स्पेस ऑल इन तीनों कार्स में से कर्व की ही बूट स्पेस सबसे ज्यादा है तीनों कार्स की ग्राउंड क्लियरेंस सेम है और कर्व में 16 से लेकर 18 इंच तक का व्हील साइज आता है और बेस स्मार्ट वेरिएंट में 16 इंच स्टील व्हील्स हैं वो भी विदाउट व्हील कवर्स इस वेरियंट का प्राइस इलेवन एंड हाफ लाख रुपीज़ है और इसमें फ्लश डोर हैंडल्स एलईडी ई और टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील विद बैकलेट टाटा लोगो जैसे स्टाइल रिलेटेड एड ऑन है सो इवन द मोस्ट बेसिक कर डीजल विच इज अवेलेबल विद जस्ट द मैनुअल ट्रांसमिशन वॉन्ट लुक स्ट्रिप्ट अगर आप इसके सिक्सटीन इंच स्टील व्हील्स को अलॉयस से रिप्लेस कर दे विच इज एन ईजी अपग्रेड इस वेरियंट में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा साइड एंड कर्टन एयरबैग्स एल ई डी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी हैं एंडस्टेबलोटर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल डीफॉगर जैसे है. so, देखते हैं कि प्योर प्लस वेरियंट में स्मार्ट वेरियंट से वन लाख रुपीज ज्यादा कॉस्ट करता है उसमें क्या एक्स्ट्रा आता है कैमरा शार्क शार्कफिन एंटेना प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सेवन इंच टच स्क्रीन सिस्टम विद एंड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओवीएम्स विद ऑटो फोल्ड क्रूज कंट्रोल फ्रंट आर्मरेस्ट और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर्स ये सब फीचर्स इस वेरियंट के की एड ऑनस हैं

इज नहीं करना चाहते तो प्योर प्लस एस वेरियंट लेकिन अगर आपके लिए मॉडर्नली फीचर भी इंपॉर्टेंट है तो वो क्रिएटिव वेरिएंट ऑनवर्ड्स ही मिलेंगे और ये वेरिएंट प्योर प्लस वेरिएंट से वहां पर टू जीरो लाख करता है इसमें सेवेंटीन इंच एलॉय व्हील्स एलईडी प्रोजेक्टर हेड हेडलैम्स रेडी फॉगर बड़ा टेन पॉइंट टू फाइव इंच ट्रीन फ्रिम सिस्टम विद वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप कूल क्लब बॉक्स और ऑटो ए सी जैसे फीचर्स आते हैं क्रिएटिव वेरियंट में एड सभी फीचर्स आप बीडब्ल्यू में देख सकते हैं इन फीचर्स के लिए वन पॉइंट टू जीरो लाख रुपीज का अमाउंट जस्टिफाई होता है लेकिन अगर आप कर्व में कोई मॉडर्न डे फीचर्स से इक्विप वेरियंट लेना चाहते हैं तो क्या आपको क्रिएटिव वेरिएंट ही लेना चाहिए इसके ऊपर क्रिएटिव एस वेरिएंट भी आता है जो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ ज़्यादा कॉस्ट करता है एंड इट गेट्स फीचर्स लाइक पैंड्रामिक सनप्रूफ ऑटो हेड हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स ये फीचर्स इस वेरियंट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट ईजिली जस्टिफाई करते हैं इनफैक्ट इनकी परसीव वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ से तो ज़्यादा ही है तो ये वेरियंट वैल्यू वाइज क्रिएटिव वेरियंट से बेटर है लेकिन क्रिएटिव से क्रिएटिव एस पे अपग्रेड सिर्फ उन बायर्स के लिए ही सूटेबल है जो सनरूफ लेना चाहते हैं इसके ऊपर तो वैसे भी सभी वेरिएंट्स में सनरूफ आती ही है लाइक इन द क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट जो वन लाख ,00 रुपीज़ और ज्यादा कॉस्ट करता है इट एडिशनल गेट्स फीचर्स लाइक रियर आर्म रेस्ट हिल डिसेंट कंट्रोल एलईडी फ्रंट फॉग लैम्प टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम ब्लाइंड व्यू मॉनिटर थ्री डिग्री पार्किंग कैमरा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स कनेक्टेड टेल लैम्प 18 इंच अलॉय व्हील्स इमेंट लाइटिंग 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड लेदर इंसर्ट्स इन द केबिन इस फिल्म में एड सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं नन ऑफ दीज फीचर इज ओवरली एक्सपेंसिव लेकिन फिर भी ये सभी फीचर्स लाख रुपीज की इंक्रीमेंटल कॉस्ट जस्टिफाई करते हैं said, मुझे कम पर्सनली इस जरूर इसके कंपेरिजन में ज्यादा कंपेलिंग फीचर्स एड होते हैं और ये क्रिएटिव प्लस एस वेरियंट के ऊपर वन लाख रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है इसमें लेदे फोल जेबीएल ऑडियो सिस्टम विद्स वे पावर ड्राइवर सीट वेंटिलेटेड फ्रंट सीट वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट रियर सीट विद रिक्लाइन रियर डिस्क ब्रेक्स और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड जैसे फीचर्स हैं इस वेरियम में एड सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं ये फीचर्स वन लाख रुपीज की इंक्रीमेंटल कॉस्ट ईजिली जस्टिफाई करते हैं और इंपॉर्टेंटली ये कंपेलिंग भी है स्पेशली फीचर्स लाइक वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स पावर ड्राइवर सीट एंड सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट रियर सीट विथ रिक्लाइन तो अगर डीजल इंजन के साथ आपको कोई फीचर रिच वेरियंट ही लेना है तो क्रिएटिव प्लस एस वेरियंट को स्किप कर दें और अकम्पलिश्ड

हमारी टॉप रिकमेंडेशन मिलती है क्रिएटिव उन बायर्स के लिए है जिन्हें सनरूफ नहीं चाहिए और क्रिएटिव एस उनके लिए जो सनरूफ लेना चाहते हैं क्रिएटिव वेरिएंट वैल्यू वाइज सिर्फ प्योर प्लस वेरिएंट से ही बेटर है लेकिन ये फिर भी टॉप रिकमेंडेड है क्योंकि इसमें इसके प्राइस के हिसाब से वो फीचर सेट मिलता है जो मस्ट हैव है और इससे आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा इन फीचर्स के लिए वैल्यू पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है लेकिन अगर आप वैल्यू पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो क्रिएटिव एस वेरिएंट ले सकते हैं इसके ऊपर अकम्पलिश्ड एस वेरियंट लेना सूटेबल है एंड नॉट क्रिएटिव प्लस एस ऐसा इसलिए क्योंकि अकम्पलिश्ड एस वेरियंट में ज़्यादा इम्पैक्टफुल फीचर्स हैं एज क्रिएटिव प्लस एस में इतने कंपेलिंग फीचर्स नहीं हैं तो हमें लगता है कि अगर आप आउट एंड आउट मॉडर्न डे फीचर्स के लिए ही क्रिएटिव एस वेरियंट के ऊपर अपग्रेड कर रहे हैं तो फिर सीधा अकम्पलिश्ड एस वेरियंट ही लेना चाहिए ऐसे बायर्स जो सिर्फ इसकी शेप के लिए कर्व ले रहे हैं और बजट में हैं वो स्मार्ट वेरिएंट लेके उसे पर्सनलाइज करवा सकते हैं ऑल्टरनेटली आप प्योर प्लस एस वेरिएंट भी ले सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए टाटा मोटर्स एंड हाफ लाख रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करता है विच इन जनरल इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड अगर आप डीजल कव में फिर भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही ले रहे हैं तो रिकमेंडेशन मैनुअल ट्रांसमिशन से ज्यादा डिफरेंट नहीं है इसके क्रिएटिव और क्रिएटिव एस वेरियंट मोस्ट बायर्स के लिए सूटेबल है और इसके ऊपर अकम्प्लिड एस वेरियंट लिया जा सकता है फॉर दो डैसटेक अकम्प्लिश प्लस ए वेरियंट वैल्यू वाइज सूटेबल अपग्रेड है एंड यू कैन गो फॉर इट कव में टोटल सिक्स कलर ऑप्शन हैं गोल्ड रेड वाइट लाइट और डार्क ग्रे और ब्लू इसके क्रिएटिव प्लस एस अकम्प्लिश्ड एस और अकम्प्लिश्ड प्लस ए वेरियंट्स में डुअल टोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी आता है और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो वी होप इसे देखने के बाद आप कर्व डीजल का राइट वेरिएंट चूज कर पाएंगे कर्व से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं